हेलो फ्रेंड्स, सुषमा क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, ये एग्लोनिमा प्लांट, इसी के बारे में आज बात करनी है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, इंडोर बहुत ही अच्छा चलता है। अगर थोड़ी सी इसकी केयर की जाए तो ये हमेशा बना रहता है और इंडोर बहुत ही अच्छा चलने वाला पौधा है। कम केयर है इसकी, बस थोड़ी सी अगर इसकी केयर जान ले तो एक पौधे से बहुत सारा पौधा बन जाता है। जब हम खरीद कर इस पौधे को लाते हैं तो एक प्लांट होता है, लेकिन फिर पूरा पॉट भर जाता है। फिर चाहें तो इसे हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो इसकी केयर कैसे करनी है, सर्दियों में इस पौधे को कैसे बचाना है, यही शेयर करनी है आप सभी के साथ। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत एग्लोनिमा प्लांट। इसकी पत्तियाँ थोड़ी, ये फ्रेंड्स मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था, उसमें ये प्लांट नहीं हटाने की वजह से इस पर प्राइमर सब गिरा है, इस वजह से थोड़ी वाइट वाइट शाइनिंग हो गई है सारी पत्तियों में। जब नए पत्तियाँ आएंगी ना तो इन सबको फिर रिमूव कर दूँगी। अभी सर्दी में मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। प्लांट मेरा पूरा बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, पूरा पॉट भरा हुआ है। इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। एग्लोनिमा, एग्लोनिमा बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेड लिपस्टिक, ये रेड लिपस्टिक इसी से मैंने सीखी है एग्लोनिमा केयर। ये बहुत खूबसूरत पौधा है, इसको बचाते बचाते मैंने सीखा एग्लोनिमा को कैसे बचाना है, कैसे इसकी केयर करनी है। सर्दी में इसकी क्या केयर है और फिर गर्मी में इसकी क्या केयर, हर मौसम का। फ्रेंड्स, इसे सर्दियों में बचाना ज़्यादा मुश्किल होता है इसके लिए, इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी देखभाल के साथ इस पौधे को हम इंडोर रखते हैं। इंडोर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे प्रॉपर लाइट मिलती हो, ब्राइट लाइट, अगर हल्की फल्की धूप भी छनके मिल जाए तो अच्छा है, और धूप नहीं भी मिलती है तो इसे ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर इसे पूरी लाइट मिलती हो और ये बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन वीक में इस पौधे को एक दिन सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन इसे सनलाइट दिखा दें तो अच्छा है, काफ़ी हेल्दी बना रहेगा अभी भी ये पौधा। और जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होता है तो फिर इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये पौधा डोरमेंसी में जाता है, इसकी नई ब्रांच भी नहीं आते इसमें और ग्रोथ इसकी रुक जाती है। जैसे पौधा है वैसा ही बना रहता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो फिर इसके पौधे खराब होने लगते हैं। इसे पानी से बचाना है, पानी इसको उतना ही देना है जितना कि इसकी ज़रूरत हो। 6 दिन 7 दिन में इसे पानी देना है। इसकी मिट्टी थोड़ी जब ड्राई हो जाए ऊपर से 1-2 इंच, तब इसमें पानी देना है। हल्की हल्की गुड़ाई भी करते रहना है बीच बीच में, ताकि मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। और पानी हमें देना है जब ये पौधा थोड़ी मिट्टी थोड़ी सूख जाए 1 से 2 इंच तक, तब इसमें हम पानी देंगे। और फिर दोबारा जब हम देंगे, चेक कर लेंगे मिट्टी, तभी पानी देंगे। इसकी पत्तियों को हमें साफ कैसे करना, इसकी पत्तियाँ थोड़ी साफ रखती हैं तो चमकीली दिखती हैं, अच्छा लगता है। तो उन्हें साफ करने के लिए अभी इस मौसम में इस पौधे को धोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें या तो स्प्रे करके हम इसे साफ कर सकते हैं, पहले स्प्रे कर लें फिर कपड़े से पोंछ लें, और नहीं फिर तो इसे हम भीगा हुआ एक कपड़ा लेकर के इसकी पत्तियों को हम साफ करेंगे। इस तरीके से भी कपड़ा भिंगा लेंगे और इन पत्तियों को सब साफ करेंगे सॉफ्ट कपड़ा से, ताकि हमेशा ये पत्तियां भी ड्राई हों और इसकी मिट्टी भी ड्राई हो। ज़्यादा गीली होने पर पौधा ख़राब होने लगता है। इसे सनलाइट चाहिए थोड़ी बहुत वीक में 1 दिन, और इसकी पत्तियों को क्लीन रखने के लिए इसे पोंछ करके साफ कर लें या फिर इस पर स्प्रे कर लें और पानी कम दें। इसे अभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इस वजह से इसे फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। जब मौसम थोड़ा चेंज होता है फिर इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र में से काउडंक बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं, मैं इसमें सिर्फ काउडंक ही यूज़ की हूँ। वैसे और भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काउडंक बहुत अच्छा रहता है इस पौधे के लिए।
और इसे हमेशा फर्टिलाइजर देने की जरूरत भी नहीं है, फरवरी में दे देते हैं इसमें एक बार, तो फिर 2-3 महीने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और पानी का ख्याल रखेंगे, पानी का हमेशा इसे ख्याल रखना है, गर्मियों में इसे धूप से भी बचाना होता है, गर्मी में तो इसे बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, धूप मिलते ही इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, पूरी पत्तियां जल जाती हैं, तो इसे इंडोर ही रखना अच्छा होता है। लेकिन इंडोर ऐसी जगह पे जहाँ पे इसे लाइट पूरी मिलती हो, इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पानी जब भी दें तो नीचे से पूरा पानी ड्रेन हो जाए, इसकी मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए। और वीक में एक दिन पानी दें इसमें, चेक करने के बाद। एग्लोनीमा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर बहुत अच्छा चलता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, डेकोरेटिव प्लांट है अपने घर को सजाने के लिए और एक पौधे से ढेर सारे पौधे बनाने के लिए। इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।